अभी यौवन में प्रवेश ही कर रहा था, लेकिन उसकी एकांत प्रियता, ध्यान भजन में गति, संसारी छोकरों से अलग सा शिवराम। माँ बाप को हुआ कि कहीं साधु न बन जाए, माँ बाप ने सारे प्रयत्न किए, लेकिन लड़के ने शादी विवाह मंगनी के फंदे को एकदम दृढ़ता से अस्वीकार किया। तब ब्राह्मणी माँ ने कहा, बेटे अब हमारे सारे जोर पूरे हो गए, तुम साधु बनोगे ये पक्की बात है, लेकिन ये बुढ़िया ब्राह्मणी तुमसे एक वरदान मांगती मेरे लाल। माँ साधु बनने से इनकार वाला, मेरे से वचन नहीं लेना, बाकी एक नहीं तो दो वचन ले ले मैया। बोले बेटा जब तक मैं जीवित हूं तब तक साधु नहीं बनना, घर नहीं छोड़ना, साधना करना। और दूसरा वचन दे कि साधु बनने के बाद तू पहली खोज करेगा कि आध्यात्मिक गुरु की, आध्यात्मिक संत की क्या महिमा है, उसको अच्छी तरह से जानना और लोगों तक पहुंचाना। मैं तो नहीं जानती, लेकिन जो भी कुछ मुझे मिला है तेरे जैसा लाल, वो सत्संग में जाने से और मनोतियां मानने से। कईयों को कुछ मिलता है, कईयों को कुछ मिलता है, उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन मांगने वाले की झोलियां भर जाती। तो जांच करना के संत के दर्शन, सत्संग, दीक्षा से क्या फायदे होते। मां मैं वचन देता हूं, दिन बीते, सप्ताह, महीने और वर्षों की कतारें बीती, मां तो भगवान के चरणों में पहुंच गई और सतपात्र शिवराम साधु बनकर काशी पहुंचे और संतों के चरणों में प्रश्न रखा कि संत के दर्शन की, सत्संग की, दीक्षा की, आध्यात्मिकता की क्या महिमा है। अपने अपने सिद्धांत और अपनी अपनी शास्त्रीय जो कुछ थी व्याख्या सुनी, 1, 2, 3, 5, 25 काशी में विद्वानों की तो कमी नहीं, लेकिन संत के आध्यात्मिक ब्रह्मवेता साक्षात्कारी पुरुष के गुणों की महिमा हम पूरी वर्णन नहीं कर सकते। वल्लभ संप्रदाय के अच्छे ऊंचे संत उनके चरणों में गए, उन्होंने कहा भाई भगवान में तो 30 गुण होते हैं, लेकिन भगवान का जिनको आध्यात्मिक तत्व का साक्षात्कार होता है उनमें 36 गुण होते हैं। भगवान तो प्रकट होकर अंतर्धान हो जाते, वे बार बार दिखते। भगवान ने तो सुख भी बनाया तो दुख भी बनाया, जन्म भी बनाया मृत्यु भी बनाई, लेकिन आध्यात्मिक ब्रह्मवेता मोक्ष बना लेते हैं। आदि ये 6 जो विशेष गुण है वो बताए, लेकिन हम ऐसे पुरुष की पूरी महिमा नहीं बता सकते। ऐसे करते करते एक बुजुर्ग संत ने कहा कि तुमने माँ को वचन दिया है और आध्यात्मिक तत्व का साक्षात्कार किए हुए पुरुष की क्या महिमा है तुमको अगर जाननी है तो यहाँ काशी में तो तुमने छान मारा, बहुत कुछ जाना, लेकिन अभी अधूरा है। मेरी बात मानो तो तुम बंगाल चले जाओ, वहां वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का कटवा तहसील उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य कोई ग्रंथ लिख रहे हैं और उनके पास देवी देवताओं के मंत्रों की सिद्धि है, वो नहीं तुम्हें बता सकेंगे तो देवता को बुलाकर भी तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। शिवराम उत्साही साधु पहुंच गए काशी छोड़कर बंगाल के उस शमशान में जहां रघुनाथ भट्टाचार्य की भेंट हुई। रघुनाथ ने उनकी सारी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन आत्म अनुभव किए हुए महापुरुष के दर्शन, सत्संग, दीक्षा का क्या महिमा है मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम इतने माँ के भक्त हो और इसमें संसार का भला छुपा है, तुम्हें तुम्हें मार्कंडे चंडी का मंत्र देता हूं, 8 दिन के अंदर देवी प्रकट हो जाएगी। लेकिन वो मंत्र यहां सिद्ध नहीं होगा, तुम नर्मदा किनारे चले जाओ, कलयुग में तपस्या करनी हो तो नर्मदा किनारा तपस्या फैलाने में बड़ा सहयोग करता है। तप करवे को नर्मदा, मरवे को सुरधुनी, जप करवे को हरिहर, पाखत ऋषिवर मुनि। मैं जाऊंगा नर्मदा किनारे,
चले नर्मदा किनारे, अनुष्ठान किया, सातवें दिन देवी प्रकट होगी, हो सकता है चौथे दिन पांचवें दिन भी हो जाए, लेकिन तुम सात दिन पूरा करना। शिवराम बोले, महाराज वचन दे दिया करूंगा। पांचवें दिन आकाश से प्रकाश पुंज और देखते देखते देवी के साथ मंत्र के देवता ऋषि रूप में प्रकट हुए। तुम्हारी साधना तपस्या से हम प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो? बताया कि मां को वरदान दिया है और आध्यात्मिक तत्व का साक्षात्कार किए हुए पुरुष की ऊंचाई और महिमा से मुझे पूर्ण जानकारी मिल जाए। देवी ने कहा, बेटे सर्व तीर्थमय माता है, सर्व देवमय पिता है, तुम माता पिता का आदर करने वाले सुपात्र हो। जैसे गणपति ने माता पिता का पूजन किया और पूजनीय हो गए, ऐसे तुम पूजनीय हो जाओगे। लेकिन संत की महिमा पूरा वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगी। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेथा बखाने। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि आत्म साक्षात्कारी ब्रह्मवेत्ता का वर्णन हम पूर्ण नहीं कर सकते, फिर भी मैं तुझे मंत्र देती हूं। ये नर्मदा किनारा जिस राजा के शासन से शासित है, उस राजा को संतान नहीं होती, सारे उपाय करके वो थक गया, नास्तिक जैसा हो गया। मैं तुझे ये तीन छोटी छोटी गोलियां देती हूं। राजा को तुम मिलना चाहोगे तो वो नास्तिक जैसे हैं, जल्दी मिलेंगे नहीं, लेकिन तुम उत्साही हो, मिल जाओगे। और राजा ये रानी को खिलाएगा तो उसको संतान नहीं होने का प्रारब्ध एक गोली काट देगी, दूसरी गोली से बेटा ही होगा, और तीसरी गोली वो काम करेगी कि जन्मते ही वो बच्चा तुम्हारे साथ बूढ़े बुजुर्ग बड़े ऋषि मुनि बात करते हैं, ऐसे तुम्हारे साथ वार्तालाप करेगा। जन्मते ही बोले दूध माँ का पीने के पहले ही तुम्हारे साथ बात कर सकेगा। माँ के दर्शन और मंत्र विज्ञान की महिमा के जानकार शिवराम जी गए, अनुष्ठान चालू किया। अनुष्ठान पूर्ण मिला, वो तीन गोलियां लेकर राजा तक पहुंचने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिर राजा को विश्वास दिलाया कि जब तक तुम्हारे घर बालक नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर, तुम्हारा राजमहल की निकटता छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे नजर कैद भी करवा लो तो मुझे प्रसन्नता होगी। राजा को विश्वास हुआ। सरले, ओ सरला, सरला, सरले कहाँ गई? ओ सरला, ओ महारानी। ऐसा नहीं कहते गरी कहाँ चली गई निगुड़ी, है ऐसी वैसी नहीं, वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। नौकरानी दासियों ने बताया, महाराज बुला रहे। महाराज जय हो, क्षमा करे, मैं इनके तू तू में के झगड़े में निपटाने में लगी थी, क्षमा करें, क्या आज्ञा है? सर ले लो ये तीन गोलियां, तुम्हें ऐसा संतान प्राप्त होगा कि जन्मते ही संत महात्मा से बात करने वाला। सरला ने नम्रता से प्रसादी ली, और स्त्री का भूषण है लज्जा, अपनी लज्जा की पवित्रता दिखाती हुई नम्र होकर चली गई। ये पाश्चात्य गंदगी ने हमारे बहु बेटियों को बड़ा गुमराह कर दिया। सुरपंखा रूप वेश बनाकर राम जी के पास गई। राम जी ने कहा मैं शादी शुदा हूं, तो लक्ष्मण को पटाने गई। लक्ष्मण ने कहा मेरी पत्नी है और मिला, मैं उससे धोखा नहीं करूंगा। फिर राम के पास आई, बार बार कहे मेरे जैसी कोई सुंदरी नहीं, और लक्ष्मण तुम्हारे जैसा कोई सुंदर नहीं, मैं तुम्हें प्रेम करती हूं। जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण को जरा नाराजी हुई कि स्त्री का भूषण लज्जा है और आई लव यू नक्कटी नीच, इधर आ तू। नाक और कान काट के दे दिया, आलू प्याज की भी कीमत होती है लेकिन तेरे नाक और कान की कीमत ही नहीं रहेगी। जा अपने भाइयों को दिखा तू कैसी नक्कटी है। भाइयों को उत्तेजित किया और पूरी सेना भेजी, और सेना धूल चाटती हुई गई और राम विजयी हुए। ये ऐतिहासिक घटना है। तो लज्जा नारी का भूषण है, वो लज्जा की मूर्ति गई।
10 महीने पूरे हुए, घर में दाई आई, बालक का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना, ये अपने बहु बेटों को, नाती पोतों को ये कथा सुनाना। पहले के जमाने की दाइयों की जितनी अक्ल थी, उतनी आज MBBS और MD पढ़े हुए और सर्जन लोगों की सूझबूझ हो जाए तो मुझे खुशी होगी। बालक 9-10 महीने माँ की जेर से पलता और जन्मते ही नाभि और जेर के बीच कैंची घुमाते हैं, तो जन्मते ही बच्चे को बाहर की एक पीड़ा ऐसा गहरे मन में घुस जाती है कि बड़ा जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर बन जाता है, फौजी इलाके में बैठा है ऑफिस में, बंदूक वाले बाहर हैं और फौजी वातावरण में रह रहा है ऑफिस, इन छटांग भर की चूही पैरों से जाती तो जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर डर जाता है। तपेली भर के दूध की या घी की जा रही है और 50-100 ग्राम की गिलहरी पैरों से, मैं तो डर गई, मैं तो मर गई, लेकिन आंटी तो 60-65-70 किलो की है, वो 60-70 ग्राम की तू क्यों डरी? आंटी का कसूर नहीं है, पाश्चात्य ढंग से पढ़े लिखे डॉक्टरों की गलती, दाई ने वो गलती नहीं की। आप अपने परिवार में किसी भी पुत्र वधू को या पुत्री को या किसी को भी संतान होती है तो डॉक्टरों को आदेश दो कि 2-3 मिनट तक नाभि छेदन की मूर्खता ना करें। कुछ समय में प्राण संचार बंद होने के बाद रक्त संचार बंद होता है और उसके बाद जैसे मैं बाल काटूंगा तो मुझे पीड़ा नहीं होगी, नक काटेंगे तो पीड़ा नहीं होगी, ऐसे ही आते ही बच्चे को पीड़ा से बचाओ तो वो बच्चा आपका निर्भीक रहेगा। विज्ञानियों ने प्रयोग किए कि मुर्गी ने अपने अंडों को सेड़ा, जो चोंच मारी चूचा बाहर आए उसके पहले मुर्गी हटा दी और बतख रख दी, तो फर्स्ट इंप्रेशन मुर्गी के बच्चे ने बतख को देखा। अब मां कह रहे वहां नहीं जाते, बतख के पीछे जाते। मुर्गी कूड़े करकट के पास जाती है और बतख पानी में जाती है, तो मुर्गी का बच्चा पानी से कतराता है लेकिन वो पानी में बतख जाती उसके पीछे डूब के मर जाता है, लेकिन मां के पास नहीं जाता क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन है। ऐसे ही बतख के बच्चों को मुर्गी दिखा दी, वो मुर्गी के पीछे जा रहे, तो पहली जो इंप्रेशन है, पहली जो असर है जन्मते ही, उससे मानवता पीड़ित हो रही है। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इससे आप सतर्क हो जाएंगे तो भारत को बहुत कुछ मिल जाएगा, मानवता को बहुत कुछ मिल जाएगा। इस काम में आप जो सतर्क होने का वचन देंगे तो मैं समझूंगा कि आपकी दक्षिणा मुझे मिल गई, नहीं तो 3-3 दिन सत्संग करें और बिना दक्षिणा के जाएं तो सत्संग सुनने वाले को फलेगा नहीं। तो सत्संग सुनने वाले का कर्तव्य है कि गुरु को दक्षिणा दे, और गुरु का अधिकार है कि दक्षिणा ले ले, नहीं दे तो डांट के भी ले ले। तो मैं आपसे दक्षिणा लेना चाहता हूं, पर्स मत खोलो, रुपए पैसे नहीं चाहिए, केवल हाथ उठाओगे कि हम ऐसी सतर्कता रखेंगे तो हम मान लेंगे हमको दक्षिणा मिल गई। ये हाथ नहीं उठा रहे, हाँ, दक्षिणा तो मंत्रियों से भी हम लेते हैं, नेताओं से, सभी से दक्षिणा लिए बिना काम नहीं चलाते। दाई ने नाभि छेदन 2-3 मिनट का समय लेकर किया, बच्चे को नहलाया। अब पिता के गोद में देना होता है बच्चा नहला के, और पिता को क्या कहना है, बच्चे के कान में 7 बार बोलना है। आप बोलना है ओम 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 ओम, अश्मा भवा, तू चट्टान की नाई अडिग रहना, फिर 7 बार बोलो ओम 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 ओम, परशु भवा, तू कुल्हाड़े की नाई विघ्न बाधाओं को काटने वाला होना, फिर 7 बार बोलना है ओम 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 ओम, हिरणमस्तुम भवा, तू सोने की नाई चमकना। बाप ऐसा कहकर बालक को माँ के गोद में दे, और माँ का कर्तव्य है कि बच्चे को स्तनपान कराने के पहले, मुंह में कुछ डालने के पहले बच्चे की जीवा पर शहद और घी का विमिश्रण, सम्मिश्रण पॉइजन होता है, 1 ग्राम शहद तो 1/2 ग्राम घी विमिश्रण करके बच्चे की जीवा पर ओमकार लिखे।
बच्चा होनहार होगा कि दो साल पहले बड़ौदा, हर साल एक बार बड़ौदा में होता है देव दिवाली का सत्संग, देव जग एकादशी से लेकर पूनम तक का। किसी के घर बहुत प्रार्थनाएं गई तो मैं गया, घर से एक कन्या निकली, एक हाथ में तो मूवी कैमरा और दूसरे हाथ में फोटो लेने वाली कैमरा, और वो लड़की मेरे से एक डेढ़ इंच ऊंची और शरीर में भी ठीक ठाक, और ऐसे एंगलों से अलग अलग फोटो ले और शॉट्स ले कि मुझे लगा कि ये पत्रकारिता के फोटोग्राफरों को भी पीछे कर दे, आखिर क्या ट्रेनिंग ली हुई है, किस में ग्रेजुएशन किया होगा। मैंने पूछा कि तुम क्या पढ़ी हो, बोले छठी। मैं चौंका, फिर सोचा कि उसकी या तो मेरी समझ की गलती होगी। मैंने कहा कितने साल के, बोले 11 साल की। उसके माँ बाप मेरे सामने देखकर मेरे आश्चर्य को भांप गए और हंसे, बोले बाबूजी आपने जो 15 साल पहले यहाँ कुछ आप जो सत्संग में बोलते ना वो हमने सुना था, इसकी माँ तो शादी नहीं हुई थी तब से सत्संग में आती, तो ये सब सुना था, ऐसा सब किया, इसीलिए ये हमारे सारे कुटुंब में इतनी होशियार और कदावर है। उसकी दूसरी बहन भी ऐसी है, वो अभी छठी पढ़ती, वो सातवीं में चली गई, वो 11 वाली 12 की हो गई, 10 वाली 11 की हो गई। 1.5 साल पहले दोनों बहनें आई सूरत में, बापू मैं बोल क्या चाहिए इतनी ऐसी कदावर, बोले हम दो बहने हैं हमारे को भाई दे दो, मैं क्या लोन लेती मम्मी को फल दे। अब की बार फिर जाना हुआ तो 4 महीने का बबलू मेरे सामने लाया कि बापू ये फल का फल है, सफल हो गया। खैर वो दाई ने बच्चे को नहलाकर बाप के गोद में देने का इंतजार करने के लिए बच्चे को लेटा दिया, तो बच्चा पद्मासन बांधकर अब बोलना हो ये प्लूत उच्चारण योग समाधि वाले करते हैं। दाई देखते ही दंग रह गए कि अभी तो जन्म लिया है और ये भाई साहब ओम करके आंखें बंद करके समाधि में। दाई को आश्चर्य भी हो, श्रद्धा भी और हंसी भी आए। उधर दास और दासियां के देख देख तेरा बाप, अरे बोले तेरा दादा देख, बोले तेरा भैया देख रहे। ओ महारानी, महारानी के तो अभी कपड़े लाल हैं, बिचारी को प्रसूति की पीड़ा, अरे देख ले तेरा जाया क्या करता है वो सरला देवी महारानी, देख देख। महारानी देखी और आंखों में से हर्ष के श्रद्धा के भाव उभरे। महाराजा को खबर करो, बोले महाराजा आ रहे हैं। महाराजा को दिखाया, महाराज गदगद हो गए, बोले जिस संत ने ये प्रसादी दी उस संत को बुलाना। उस संत के साथ इस प्रसादी की एक गाथा जुड़ी हुई है। संत ने 5 दिन अनुष्ठान के बाद देवी से पाया, लेकिन 7 दिन का अनुष्ठान किया था। 7 दिन का अनुष्ठान करने के बाद पेड़ के नीचे ठंडी गर्मी के कारण शरीर थोड़ा क्रश हो गया, थक गया। किसी बनिए के दुकान पर खड़े रहे कि भाई भोजन करा सकते हो, बोले यहाँ पे पास में ही घर है। बनिए ने भोजन कराया, संध्या हो गई, गांव के बाहर वट वृक्ष के नीचे बाबा लेट गए। इतने में घसियारा आया था, घसियारा थका मांदा था, बोले बाबा रात को तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा, बोले मैं भी यहीं रहूंगा, तो आज का घास उठा के थका है, मैं 7 दिन का थका हूं बेटे, जरा पैर दबा देना। घसियारा ने पैर दबाना शुरू किया, छोरा था। अब उसको पता नहीं कि मैं पैर दबा रहा हूं और मृत्यु मेरा गला यहां दबाएगी, पता नहीं कब किसका मृत्यु गला दबाए। पैर दबाते दबाते वो तो ढल पड़ा, बाबा तो थके थे, चट से लेटर टप से नींद आई, उसको तो मृत्यु की नींद आई। सुबह बाबा ने देखा, रे चलो बनिया को कहा सेठ जी, अरे बोले महाराज ये तो हमारा कर्तव्य, धन का 10% जो सत्कर्म नहीं करता उसके धन में ऐसी कुछ आग लगती है, या तो कोई ले जाते, या बीमारी, या केस, या छोरे छोरी लोफरों के संपर्क में तबाही कर देते। 5वां हिस्सा तो निकालना चाहिए, 20%, नहीं तो 10% तो अच्छे कर्म में निकालेंगे तो अच्छा ही है बाबा,
हमें तो आपने मौका दिया है, उस घसियारे की अंत्येष्टि कर दी। बाबा जानते थे कि मृतक व्यक्ति की हड्डियां या तो नर्मदा जी में डालनी चाहिए या तो गंगा जी में डालनी चाहिए, तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। लेकिन अब तीसरा उपाय है कि गंगा में और नर्मदा में पाकिस्तान वाले लोग नहीं डाल सकते अपने पूर्वजों की हड्डियां। तो शास्त्रों में से हमने खोजा है, जो भी पाकिस्तान में सुन रहे हैं, दुबई में सुन रहे हैं, हांगकांग में सुन रहे हैं, दुनिया के कई देशों में, अमेरिका और उससे दूर देशों में जो सुन रहे हैं, तो इस शास्त्र का वचन है, अगर आप नर्मदा जी में गंगा जी में मृतकों की हड्डियां नहीं डाल सकते हो तो आंवले के रस में उन हड्डियों को भिगाकर आप अपने देश की किसी भी बहती सरिता में अथवा बड़े तालाब में डैम में डाल सकते हो। और दूसरी बात शास्त्रों से ये मिली कि मृतक व्यक्ति को कैसा भी अपराधी पापी हो, अगर तुलसी की लकड़ियों से अग्नि संस्कार, थोड़ा बहुत भी तुलसी की लकड़ियां, सूखी तुलसी की लकड़ियां शव पर बिछा दी जाए और तुलसी की लकड़ी से आग शुरू करके अग्निदान किया जाए तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती, ये तुलसी को वरदान है। कितना भारी लाभ होगा जाने वालों का। और नहीं तो तुलसी की माला ही गले में पड़ी रहे तब भी दुर्गति से रक्षा होना बिल्कुल पक्की बात है। मेरी नानी मर गई थी, शमशान में गई, हिली और रस्सियां काटी, पैदल चल के वापस लौटी, 39 साल जी। अब वो विषयांतर हो जाएगा लेकिन वो कथा भी बड़ी सूझबूझ बढ़ाने वाली। खैर, राजा साहब ने बालक को देखा लेकिन वो घसियारे की हड्डियां वड्डियां डालकर महाराज तो चले राजा के पास, और फिर ये बालक ध्यानमग्न, राजा गदगद हो गए और शिवराम महाराज पधारे। शिवराम महाराज ने कहा, कहां है बालक? बोले, बाबा वो आंखें मूंद के बैठा है। अरे ओ, महाराज देखकर प्रसन्न हो गए, ये मानो के पूर्व जन्म का कोई योगी है, ओमकार का गुंजन प्रलुद करता है। बालक, ओ बाल योगी, हाँ महाराज, आप क्या श्री कृष्ण के अंशावतार हो या बुद्ध के या दत्तात्रेय भगवान के? बोले, महाराज मैं किसी का अंशावतार नहीं हूं, मैं तो वो घसियारा जो आपके पैर दबाते दबाते मर गया था, पेट भरने के सांसें पड़ते थे, लेकिन संत का दर्शन करने का फल ये हुआ है कि जन्मजात राजकुमार हूं। अभी तो आलू प्याज वाले तो क्या ही, मैं मिलावट कर रहा हूं, जयराम जी की, अभी तो बड़े बड़े आपके डीजीपी और गृह मंत्री भी मेरे को सलाम मारेंगे, चाहे पहले कुछ भी बेचे थे। और मैं तो राज्य का सर्वे सर्वा बनूंगा, राजा साहब के कपड़ों पर भी कभी पिचकारी मार दूंगा तो मुझे सजा नहीं होगी और भी प्यार करेंगे। ऐसा संत के घड़ी भर के सानिध्य का, घसियारे का इतना बाह्य उन्नति हुई। अगर वो घसियारा महाराज से सत्संग सुनकर आध्यात्मिक उन्नति चाहता तो न जाने कहां पहुंचता, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। महाराज मत करो वर्णन, हर बे अंत है।